स्वाहा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री माँ का ये विशेष मंत्र बहुत ही चमत्कारी होता है। इसके रोजाना दिन में 3 बार पाठ करने से सभी दुख दूर होते हैं। गायत्री जयंती ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष को 11वें दिन मनाई जाती है। घर में पूजा बड़े बुजुर्गों के द्वारा की जानी चाहिए। कई लोग इस दिन सत्संग का भी आयोजन करते हैं। पूजन के बाद गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। कई लोगों के अनुसार गायत्री जयंती गंगा दशहरे के दूसरे दिन होती है। श्रावण पूर्णिमा के दौरान पड़ने वाली गायत्री जयंती को ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष को महर्षि विश्वामित्र ने पहली बार गायत्री मंत्र का जप किया था, तभी से इसे गायत्री जयंती के रूप में मनाया जाता है। गायत्री मंत्र की शुरुआत ओम से होती है। ओम में ही तीनों शक्तियों यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है, जो भी प्राणदायिनी, दुख हरनी, रोगों को दूर करने वाली माँ भगवती की जो भी उपासना करता है उसे सुख संपत्ति प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र का जप 3 पहर में होता है। जप का पहला समय प्रातःकाल सूर्योदय से थोड़ी देर पहले होता है और दूसरा समय दोपहर में और तीसरा समय शाम को सूर्यास्त के कुछ देर बाद होता है। गायत्री देवी पहर के अनुसार अपना रूप बदलती हैं। प्रातःकाल में वो कुंवारी अवस्था में रहती हैं, जबकि मध्यकाल में इनका स्वरूप युवा होता है और सायंकाल में गायत्री माँ वृद्धा के रूप में होती हैं। कुंवारी अवस्था में देवी हंस पर विराजमान होती हैं, युवा रूप में वो गरुड़ पर सवार होती हैं, वृद्धावस्था में वह वृषभ में विराजमान होती हैं। प्रथम रूप में देवी माँ 2 हाथों में अक्षसूत्र और कमंडल धारण करते हुए, दूसरे रूप में 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करती हैं, जबकि तीसरे रूप में वो 4 हाथों में त्रिशूल, डमरू, पाश और पात्र धारण करती हैं। गायत्री माँ को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बराबर माना जाता है। साथ ही उन्हें सरस्वती, पार्वती व लक्ष्मी का भी अवतार मानते हैं। उन्हें त्रिमूर्ति मानकर सभी देवी देवता उन्हें माता समझते हैं। गायत्री देवी को ज्ञान की देवी भी माना जाता है। उनका उल्लेख वेदों में भी मिलता है, इसलिए उन्हें वेद माता भी कहते हैं। देवी के 5 सिर व 10 हाथ होते हैं। उनके 4 सिर वेदों को दर्शाते हैं, जबकि 5वां शक्ति का प्रतीक है। गायत्री संहिता के अनुसार मंत्र में कुल 24 अक्षर होते हैं। ये अक्षर कुछ इस प्रकार हैं: पहला तत्, दूसरा स, तीसरा वी, चौथा तू, 5वां वर, 6ठा रे, 7वां री, 8वां यम, 9वां भ, 10वां गौ, 11वां दे, 12वां व, 13वां स्य, 14वां धी, 15वां म, 16वां ही, 17वां धी, 18वां यो, 19वां यो, 20वां नह, 21वां प्र, 22वां चो, 23वां द, 24वां याद। अगर जीवन की समस्याओं से परेशान हैं तो वो गायत्री जयंती पर पीपल, शमी, वट, गूलर, पाकर की समिधाएं लेकर एक पात्र में कच्चा दूध भरकर उसके सामने 1000 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। फिर एक समिधा को दूध में स्पर्श कराकर अग्नि कुंड में डालें। मंत्र पढ़ने के कई तरीके हैं। गायत्री मंत्र को धीमे स्वर में अथवा मौन रहकर पढ़ना चाहिए। इस मंत्र को मानसिक रूप से भी जपा जा सकता है। इससे मंत्र का पूरा लाभ मिलता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।